हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल शिखा बख्शी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज है ट्यूसडे, डेट है 5 मई और दोपहर का 1 बज रहा है अभी। तो लंच बनाने आई हूँ किचन में। आज बनाऊँगी अपने किचन में शाही पनीर और उसी की रेसिपी आपसे शेयर भी करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं अपनी रेसिपी को स्टार्ट करती हूँ। तो शाही पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पनीर लिया है और ये 400 ग्राम पनीर है और इसको मैंने घर पर ही बनाया, ये होममेड पनीर है। और यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं, ये 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं मैंने, जिसको लंबा लंबा कट कर लिया है। और यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट है, ये 1 टेबलस्पून होगा। और यहाँ पर सूखे मसाले, जिसमें मैंने जीरा लिया है 1 चम्मच जीरा। और यहाँ पर 10 से 12 काली मिर्च ली हैं और 6 मैंने लौंग ले ली हैं, 1 मोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और तेज पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 10-12 बादाम लिए हैं और 10-12 ही काजू लिए हैं। और आधा ग्लास यहाँ पे मैंने दूध लिया है और साथ में यहाँ पर मैंने दही ली है 2 बड़े चम्मच के करीब। और यहाँ क्रीम ली है मैंने, ये घर की फ्रेश क्रीम है, जिसको मैंने थोड़ा सा दूध डालकर और मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। तो क्रीम इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच ही डलेगी। तो ये तो मैंने आपको शाही पनीर के लिए मेन सामान दिखा दिया कि क्या क्या डलेगा, और जैसे जैसे मैं मसाले डालती जाऊंगी ना, वो मैं आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ कढ़ाई गर्म हो रही है, यहाँ कढ़ाई में मैं घी यूज कर रही हूँ, आप बटर में भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है करीबन 3 बड़े चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। अब मैं इसके अंदर ये काजू बादाम डाल दूंगी और थोड़ा सा इनको इसमें फ्राई कर लेंगे। अब ये हल्के से फ्राई हो गए हैं तो इसके अंदर ये सारे सूखे मसाले डाल देंगे, को भी इसके अंदर फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह खुशबू आने तक। तो गैस का फ्लेम आपने सिंपल ही रखना है। तो मसाले भी हमारे अच्छी तरह इसके अंदर फ्राई हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर प्याज ऐड कर रही हूँ, प्याज को कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। प्याज का भी कलर चेंज हो गया है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करूँगी और टमाटर को भी इसके अंदर अच्छे से सॉफ्ट हो जाने देंगे। तो यहाँ टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी। जो भी ये हमने मसाला बनाया है, इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी और इसको ठंडा करके फिर ग्राइंड करना है। और इस कढ़ाई को मैं धोऊंगी नहीं, क्योंकि इसी में ही हम आगे की तैयारी भी शुरू करेंगे। तो इसको ठंडा करने में पहले फैन के नीचे रख के आती हूँ। तो जब तक वहाँ पे तड़का ठंडा हो रहा है, तो यहाँ पर मैं चावल बना रही हूँ, और चावल बना रही हूँ प्याज वाले। थोड़ा सा डाल रही हूँ ऑयल। तो यहाँ पे जो है ऑयल गर्म हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ जीरा, 1 छोटा चम्मच जीरा होगा ये, और इसमें डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज भी हमारे फ्राई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं कर रहा है, सिर्फ कलर चेंज हो जाए इतना फ्राई कर रहा है। तो अब मैं इसके अंदर चावल ऐड कर रही हूँ। तो चावल जितने होते हैं उससे डबल पानी डलता है, तो कई लोग उससे कम भी डालते हैं, लेकिन मैं जितने चावल लेती हूँ हमेशा उससे डबल पानी डालती हूँ। तो अब मैं इसमें हल्के फुल्के से मसाले भी ऐड करूँगी। सबसे पहले नमक डालूंगी, हर चीज थोड़ी थोड़ी सी फ्लेवर के लिए, लाल मिर्च 1 चुटकी भर सा गरम मसाला। बस अब जैसे ही बॉईल आएगा इसको सिम फ्लेम पे करके हम कुक कर लेंगे। तो इसमें बॉईल आने लगा है, बस अब मैं फ्लेम को सिम पे कर दूंगी और इसको ढक के पकाएंगे। तो चावल मैंने उस साइड रख दिया है, अब हम शाही पनीर के आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है फिर से, तो घी गर्म है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसको 1-2 मिनट ऐसे ही इसमें फ्राई कर लेंगे और हिलाते रहेंगे। तो अदरक लहसुन के पेस्ट को मैंने 1-1.5 मिनट ऐसे भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी नहीं है, कश्मीरी मिर्च है ये कलर वाली। छोटा चम्मच हल्दी का डाल रही हूँ और इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब मैंने सूखा धनिया ऐड कर दिया है। तो अब मसाले को 3 से 4 मिनट पानी डाल के अच्छी तरह इसको भून लेंगे। तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, जिससे सारे मसाले जो है ना अपनी खुशबू छोड़ दें अच्छी तरह, एक फ्लेवर आ जाए। अच्छी तरह भुनेगा ना तभी फ्लेवर आए। तो मसाला जो है वो अच्छी तरह भुन गया है 3 से 4 मिनट तक। अब मैं इसके अंदर दही ऐड करने जा रही हूँ। जब आप दही ऐड करें तो साथ साथ हिलाते रहें, जिससे दही फट ना जाए, और जो फ्लेम है ना वो सिंपल ही रखें। तो दही को भी हम इसके अंदर 1-2 मिनट अच्छे से पका लेंगे हिलाते हुए। तो देखिए घी अलग होने लगा है। अब इसी टाइम पर मैं ये जो हमने मसाला ग्राइंड कर लिया था ना ठंडा करके, वो ऐड कर देंगे इसमें। और जो इस जार में थोड़ा मसाला लगा हुआ था ना, वो भी मैं इसमें पानी डाल के थोड़ा सा इसमें ऐड कर अच्छी तरह इसको मिला लेंगे, और इसको भी हम अच्छी तरह तड़के की तरह भून लेंगे। तो ये काम ढक के करिएगा, नहीं तो सारी छींटें उड़ती हैं और अपने पे ही आती हैं गरम गरम। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जब ये मसाला मैंने ग्राइंड करा था तो थोड़ा सा मैंने उसमें पानी भी ऐड करा था, करीबन 1/2 ग्लास मैंने इसमें पानी ऐड करा था तभी इसको ग्राइंड करा था। तो बस अब मैं इसको ढककर सिम से मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी।
और बीच बीच में हिला। तो अभी हमारी जो ग्रेवी है वो बन रही है और मैं उसको इस तरह से हिला रही हूँ, देखिए, नहीं तो छींटना अपने पे आ रही है इस समय, इसलिए जब हिलाना हो ना तो इस तरह से हिलाइए। तो देखिए अभी जो ग्रेवी है वो पूरी तरह से सूखी नहीं है, और आप चाहें तो इसी समय पे चीनी भी ऐड कर सकते हैं, करीबन आधा चम्मच के करीब, अगर आपको इसका फ्लेवर अच्छा लगता है शाही पनीर में चीनी का। तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो प्याज होते हैं ना वो भी मिठास वाले ही होते हैं। इसी स्टेज पर जब तड़का सूखने लगा है तब मैं ढक्कन हटा दूंगी और इसको बीच बीच में हिलाते हुए अच्छी तरह पका लूँ। और आप चाहें तो इस समय जो गैस का फ्लेम है ना वो भी हाई पे रख के हिला सकते हैं, लेकिन हिलाना ज़रूरी है, नहीं तो तड़का लग जाएगा हाई फ्लेम पे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस पूरे काम में कम से कम 20 मिनट लग जाते हैं पूरी ग्रेवी को सुखाने में। तो आप देख सकते हैं कि पूरी ग्रेवी सूख गई है, अब जो तड़का है वो कढ़ाई से अलग होने लगा है, देखिए जैसे हलवा हो जाता है ना बिल्कुल उस तरह से अलग हो रहा है, और बिल्कुल अच्छी तरह इसने घी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर दूंगी, तो गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पे रखिएगा और हल्के हाथों से पनीर को इसमें मिला लीजिए। जो क्रीम है इसमें से 3 बड़े चम्मच मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और इसी टाइम पर अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करूंगी। तो छोटा चम्मच के करीब कसूरी मेथी ऐड कर दी है मैंने, और साथ में ही दूध ऐड करूंगी, जितनी ग्रेवी आप चाहते हैं उतनी रखिएगा। तो दूध मैंने आधा ग्लास इसमें पूरा डाल दिया है। अब इसमें एक बॉयल दिला लेंगे, तो अब इसमें बॉयल आने लगा है, अब मैं इसको ढक दूंगी सेम फ्लेम पर और 2 से 3 मिनट के लिए, तो ये सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं पकते हुए, अब देख लेते हैं, गैस ऑफ कर दूंगी और शाही पनीर बनके रेडी हो गया है। तो ये बनके रेडी हो गया है, और अब मैं इसको हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी। कलर भी बहुत अच्छा आया, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, एक बार बना के देखिएगा और बताइएगा कि कैसे बन। अब मैं रोटियां बना लेती हूं, और हाँ मेरे चावल भी बन गए थे यहाँ पर। गरम लंच बन के रेडी है, ये है शाही पनीर, बहुत टेस्टी बना है, अभी मैंने 1 चम्मच खा के देखा था। और ये हैं गर्मा गर्म रोटियाँ, रोटी मैंने थोड़ी ही बनाई है चावल के साथ, और यहाँ है चावल, और ये है थोड़ा सा सैलेड। तो ये है मेरा आज का लंच। तो फ्रेंड्स अभी हो रहे हैं शाम के 5:30, और आज मैं दोपहर में सो गई थी, वैसे मैं सोती नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन ना नींद आ गई, और बल्कि मुझे सो के आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सारी थकावट थी जो निकल गई। और अभी थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, और ये हस्बैंड ने बनाई है चाय, एक मेरे हस्बैंड का कप है और एक मेरा कप है, तो हस्बैंड बना देते हैं चाय, और इस लॉकडाउन में तो कई बार ही बना चुके हैं। लेकिन ये जो कटोरी है ना इसमें थोड़ी सी बच गई है, और जिसको मैंने पी के देखी ना तो इसमें चीनी बहुत तेज़ हो गई है, तो बहुत प्यार से बनाते हैं ना मेरे हस्बैंड चाय, इसलिए मीठी हो जाती है चाय ज़्यादा, वो अपना सारा प्यार इसमें उड़ेल देते हैं, तो चाय भी हो जाती है मीठी मीठी मीठी। तो चलिए फ्रेंड्स अब चाय पीती हूँ, और आज कुछ ज़्यादा मैं आपसे बातें नहीं कर पाई, बस किचन से ही स्टार्ट करी और किचन में ही वीडियो का एंड हो रहा है। तो फिर भी अगर आपको कुछ भी वीडियो में अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करा करो। और अब वीडियो का एंड करने जा रही हूँ, और एंड करने से पहले मैं ये बोलूँगी कि आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखिए, और फिर मैं अपनी वीडियो के बारे में बोलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ज़रूर हिट करिएगा जिससे मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।